स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। अभी तक आपने यदि अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है उनके बारे में आप लोगों को पता चल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम की ही एक ग्लैंड है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है, इसकी स्थिति कहां पर होती है, ये क्या फंक्शन करती है, किसको ये कंट्रोल करती है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस के बारे में, कि हाइपोथैलेमस पाई कहां जाती है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, कौन सा मस्तिष्क है? अग्र मस्तिष्क है। उस अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में, कौन से भाग में? पश्च भाग में, पीछे के भाग में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है। यदि अपन कुछ सेप देखें इसकी, तो ये हाइपोथैलेमस है जिसमें ग्रे मैटर भरा रहता है। क्या भरा रहता है इसमें? ग्रे मैटर, याद रखना, ग्रे मैटर भरा रहता है, या धूसर द्रव्य। क्या भरा रहता है? धूसर द्रव्य भरा रहता है, जिसे हम हाइपोथैलेमिक केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक केंद्र कहते हैं। क्लियर यहां तक? कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये कहां पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। इसी के साथ में एक फिलामेंट जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? फिलामेंट जुड़ा रहता है, और इस फिलामेंट को हम नाम दे देते हैं इनफंडिबुलम। क्या नाम दे देते हैं? इनफंडिबुलम। क्लियर यहां तक? यहां से हम कहेंगे कि दो पालियां पाई जाती है। कौन? कितनी पालियां पाई जाती है? दो पालियां पाई जाती है, जिन्हें संयुक्त रूप से हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। क्लियर? कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, जिसकी सामान्यतः दो पालियां होती है। कितनी पालियां होती है? दो, जिनके बारे में अपन लोग बात करेंगे। एडिनो हाइपोफाइसिस, कौन सी है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और एक है कौन सी? न्यूरो हाइपोफाइसिस। कौन सी है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर यहां तक? चलो अपन बात करते हैं कौन सी ग्लैंड के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। हम ये कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग में? पश्च भाग में, जिसके द्वारा एक इनफंडिबुलम के साथ में कौन लटकी रहती है? पीयूष ग्रंथि लटकी रहती है। फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का? तो हम कहेंगे कि हाइपोथैलेमस जो है वो भी हॉर्मोन ही रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? हॉर्मोन रिलीज करती है, लेकिन इनके द्वारा रिलीज होने वाले हॉर्मोन टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, जिन्हें रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं। कौन सा फैक्टर? रिलीजिंग फैक्टर। और एक बोलते हैं इनहिबिटिंग फैक्टर, या हम बोल सकते हैं एक तो ये मोचक हार्मोन रिलीज करती है। कौन से हार्मोन रिलीज करती है? मोचक हार्मोन। और दूसरे रिलीज करती है ये संदमक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? संदमक हार्मोन क्या करती है? रिलीज करती है। तो ये मोचक हार्मोन क्या है? मोचक हार्मोन वृद्धि को प्रेरित करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन, कौन से हार्मोन है? रिलीजिंग हार्मोन। और ये वाले कौन से हैं? इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये क्या काम करते हैं? एक बात याद रखना कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो लगभग 10 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, उन पर सब पर कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्लैंड करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। और हम लोगों ने कहा था कि पीयूष ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड है। कौन सी ग्रंथि है? मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्रंथि है। तो इस पीयूष ग्रंथि पर कौन कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है, या प्रधान जो ग्रंथि है वो कौन सी है, या फिर हम लोग इसको सुप्रीम कमांडर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुप्रीम कमांडर भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुप्रीम कमांडर? क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है किसके ऊपर? पीयूष ग्रंथि पे। और पीयूष ग्रंथि जितनी भी हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, उन सब पर क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो हमने ये कहा कि ये हॉर्मोन रिलीज करती है। कौन से हॉर्मोन? आरएफ और आईएफ, रिलीजिंग हॉर्मोन, जिन्हें हम लोगों ने नाम दे दिया। कौन से हॉर्मोन? मोचक हार्मोन। और दूसरे हैं कौन से हॉर्मोन? संदमन या संदमक हार्मोन।
ये हार्मोन कौन से हैं? ये वो हार्मोन है जो प्रेरित करते हैं कौन सी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, हार्मोन को प्रेरित करने के लिए कि हार्मोन को रिलीज करो, रिलीज का मतलब उनको स्रावित करो। और ये कौन से हार्मोन है? ये वो हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि को रोकते हैं, उसको कहते हैं कि भाई अब आप लोग हार्मोन रिलीज मत करो, यानी हम कह सकते हैं ये नियामककारी हार्मोन है, ये रोकने का काम करते हैं और ये स्रावित करने के लिए प्रेरित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं? लगभग 10 प्रकार के न्यूरो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। कौन से हार्मोन? न्यूरो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। और इन 10 हार्मोनों में से कितने हार्मोन? 7 जो हार्मोन है वो तो कौन से हार्मोन है? रिलीजिंग हार्मोन। और जो लगभग 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं? संदमक हार्मोन। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक नंबर का क्वेश्चन तो ये कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को, या फिर मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कंट्रोल करने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस करती है। या हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? तो हम कहेंगे कि न्यूरो हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनको यदि क्लासिफाइड करें हम लोग तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आरएफ और आईएफ। आरएफ का मतलब है यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन या मोचक हार्मोन, और आईएफ का मतलब इनहिबिटिंग या संदमक हार्मोन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये 10 हार्मोन कौन कौन से हैं, उनके नाम या टर्म्स आप लोगों को याद रखने, आप लोगों को उनके कार्य का पता होना चाहिए कि उनके फंक्शन क्या है। देखते हैं अपन अब 10 हार्मोन कौन कौन से हैं। हमारे पास जो ये 10 हार्मोन हैं, ये 10 के 10 जो न्यूरो हार्मोन हैं, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होते हैं, और इनमें से 7 हार्मोन जो हैं वो रिलीजिंग हार्मोन हैं, और जो 3 हार्मोन है वो निरोधी या हम इनहिबिटिंग हार्मोन बोल सकते हैं। तो जो सामने आप लोगों को 10 हार्मोन दिख रहे हैं उनमें से अपन देख के बता सकते हैं कि संदमन करने वाले हार्मोन कौन से हैं। तो संदमन करने वाला हार्मोन जो फर्स्ट नंबर पे है वो तो ये वाला है, दूसरे नंबर पे है वो ये है, और तीसरे नंबर पे है वो ये है। इन 3 हार्मोन के अलावा जो 7 हार्मोन है वो प्रेरित करते हैं, हार्मोन की श्रावण की क्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। नंबर 1 जो हार्मोन है वो है GHRH, मीन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन को मोचित होने के लिए प्रेरित करे। यानी ये जो GHRH हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन को, कौन से हार्मोन को? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करते हैं। तो ये इसका क्या हुआ? फंक्शन हुआ, कार्य हुआ। नंबर 2 पर है GHIH, मीन क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन को निरोधी करने वाला ये हार्मोन है। तो ऊपर वाला जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन को तो हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोलेंगे, या तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या फिर उसको वृद्धि हार्मोन, क्या बोलेंगे? वृद्धि हार्मोन, STH या GH बोलेंगे। लेकिन जब बात आ जाती है GHRH की, तो GH और RH दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? GH रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये वृद्धि को प्रेरित करता है, और इस GH को रिलीज करने के लिए, इसको स्रावित करने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? GHRH। क्लियर हुआ? नेक्स्ट TRH, तो नाम से पता चल रहा है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये ऐसा हार्मोन है जो थायरोट्रोपिक हार्मोन को स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित। फिर कौन सा हार्मोन है? प्रोलेक्टिन, जो दुग्ध से रिलेटेड है, PRH, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिक मोचक हार्मोन। क्लियर? फिर उसके बाद में PRIH, तो PR का मतलब तो क्या हुआ? प्रोलेक्टिक रिलीजिंग, फिर IH का मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी जो प्रोलेक्टिन मोचक हो रहा था, जो स्रावित हो रहा था, उसको निरोधी करने वाला, उसके खिलाफ बैरियर या रोध उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा कहलाता है? PRIH। फिर उसके बाद में MSHRH, इसका मतलब है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन। और जस्ट इसके नीचे बता रखा है MSHIH, तो ये R का मतलब रिलीजिंग था, और यहाँ पर I का मतलब क्या है? इनहिबिटिंग, अर्थात ये निरोध उत्पन्न करेगा। निरोध का मतलब क्या है यहाँ पर? बाधा उत्पन्न करेगा। फिर उसके बाद में CRH, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या कोर्टिकोट्रोपिक मोचक हार्मोन। क्लियर? फिर उसके बाद में LHRH, ये LHRH क्या है?
ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्रावित होने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके बारे में हम लोगों ने ओव्यूलेशन में पढ़ा था कि जब LH हार्मोन की कंसंट्रेशन या सांद्रता ज्यादा होती है तो उसी समय ग्राफीन पुट्टिका फट जाती है और ग्राफीन पुट्टिका के फटने से सेकेंडरी ओसाइड या एग जो है वो रिलीज हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं। क्लियर यहां तक? और लास्ट जो हार्मोन है वो FSH-RH हार्मोन है। FSH का मतलब है फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। तो ये जो पुट्टिकीय प्रेरक हार्मोन है, हिंदी में बोलते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, जो ग्राफीन पुट्टिका के निर्माण को प्रेरित करता है, तो ये जो FSH है ये रिलीज होता है पीयूष ग्रंथि से, लेकिन इसको रिलीज करने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो है FSH-RH हार्मोन, जो रिलीज होता है कौन सी ग्लैंड से? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। सामान्यतः हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा ये 10 या 10 प्रकार के न्यूरो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और मुख्य यदि हाइपोथैलेमस कार्य करता है, जब अपन ब्रेन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसका मुख्य कार्य है तापमान का नियंत्रण करना, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं या फिर हम सुप्रीम कमांडर कहते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इससे रिलेटेड जो भी 10 या जो भी 10 प्रकार के हार्मोन थे उन लोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इनको अच्छे से देख लेना। 10 के 10 हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए कि इन 10 हार्मोन में से जो 7 हार्मोन है वो तो है रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? रिलीजिंग हार्मोन। और जो 3 हार्मोन है वो कौन से हार्मोन है? वो है निरोधी हार्मोन, यानी जो बाधा उत्पन्न करते हैं। ये 10 के 10 जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस इनफंडिबुलम के द्वारा, किसके द्वारा? इनफंडिबुलम के द्वारा, जो थोड़ी देर पहले बताया था ना आप लोगों को, ये इनफंडिबुलम इसके द्वारा पहुंचा देता है किसके पास? पीयूष ग्रंथि के पास। और फिर पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको ये कंट्रोल करने का क्या करता है? काम करता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, समाधान आप लोगों का जल्दी होगा। कोई सुझाव हो आपका आवाज से, वो इससे रिलेटेड समझ में नहीं आ रहा कोई टॉपिक उससे रिलेटेड, या फिर कोई मैंने टॉपिक ऐसा छोड़ दिया हो जो इनसे रिलेटेड हो, वैसे मैंने कोई ऐसा टॉपिक छोड़ा नहीं, फिर भी आप लोगों को लगे कि सर ये वाला टॉपिक देखना है, तो उस टॉपिक के अपन ऊपर क्या करेंगे? बात कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक का आ जाएगा। अभी अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे और एंडोक्राइन सिस्टम में लगभग अपन ने 6 या 7 प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है। शायद एक तो पीनियल बॉडी बची है, पीनियल बॉडी के बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड और एक एड्रिनल ग्लैंड बची है, 3 ग्लैंड बची है, बाकी के जो भी थे ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।